मैंने प्यार किया, गोली चली, मैं भाग सकता था। मैंने प्यार किया, हर 14 दिन पर पिटा जाते थे, मैं भाग सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं भागा, क्योंकि मैं जानता था कि मार दिए जाएंगे तो भी मर जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो भी मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि कोशिश करके देखने में क्या हर्जा है, और मैंने कोशिश किया और पा लिया। जितना ज्यादा बाउंसर मेरे पास है उतना किसी के पास नहीं है। मैं बच्चों को कहूँ कि चलो अभी गांधी मैदान तो नहीं बच्चे, और बच्चे पूछेंगे क्यों, लेकिन सब चलेंगे हमारे साथ गांधी मैदान। लेकिन मेरी सादगी मेरी पहचान है, और मेरे बच्चे मेरी जान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। जैसे मेरे यहाँ 24 ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चे ही जानते हैं, मैं सबके सामने सच में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं या फिर ट्रांसजेंडर से पैसा लेने पर कोड फूट जाएगा। मैं उन लोग से 1 रुपया लेता हूँ जरूर। क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक और सिपाही से एसपी तक के बीच में लाख की संख्या मैंने पार कर दी है, लेकिन यह अभी एक जर्रा बराबर है। पहाड़ अभी बाकी है, क्रांति अभी बाकी है, और हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना अभी बाकी है, जो इन्हीं मासूम बच्चों और बच्चों से संभव है, दूसरे कुछ नहीं करेंगे। तो मैं फोन लगाता हूँ और बोलता हूँ मैं गुरु रहमान बोल रहा हूँ, जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद। किसी गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित का परिवार, जिसके पिता पति या भाई बॉर्डर पर है, उनसे मैं पैसा मैंने लिया है ना लूंगा, यह मैं जानता हूं, और सारे बच्चों के सामने कह रहा हूं, पर्दे के पीछे वीडियो नहीं बन रहा है, ये पर्दा के सामने बन रहा है। टीचर बाउंसर लेके चलते हैं, और हमारे बाउंसर ऐसे हैं कि वो सबको बाउंसर को ये ताकत अंदर की, ताकत शरीर की नहीं, ताकत मन की होनी चाहिए, ताकत जुनून की होनी चाहिए, ताकत जोश में होनी चाहिए, और ताकत कुछ कर गुजरने की होनी चाहिए। आपकी आपकी शिक्षा और आपका समर्पण, कितने बच्चों को आपने आज तक वो मुकाम हासिल कराई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट दिखता नहीं है। आपके यहाँ कैसे आपको पता होता है कि आपके बच्चे निकल के बाहर आ रहे हैं? देखिए, ये तो बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना जरूर बताऊंगा कि आज तक मैं जहां कहीं भी गया हूं, जिससे जहां किसी आईएएस से बात करनी होती है, आईपीएस से बात करनी होती है, कि हिंदुस्तान में कहीं भी, तो मैं फ़ोन लगाता हूं और बोलता हूं मैं गुरु रहमान बोल रहा हूं, जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद। तो उधर से आवाज़ आती है, नहीं गुरु जी जानते हैं, और जो बच्चे गुरु का शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि हमारे बच्चे हैं। क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक और सिपाही से एसपी तक के बीच में लाख की संख्या मैंने पार कर दी है, लेकिन यह अभी एक जर्रा बराबर है। पहाड़ अभी बाकी है, क्रांति अभी बाकी है, और हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना अभी बाकी है, जो इन्हीं मासूम बच्चों और बच्चों से संभव है, दूसरे कुछ नहीं करेंगे। बाकी टीचर क्या करते हैं क्या नहीं करते, जैसे मेरे यहाँ 24 ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चे ही जानते हैं, मैं सबके सामने सच में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग साथ बैठ के फ्री पढ़ते हैं या फिर ट्रांसजेंडर से पैसा लेने पर कोड फूट जाएगा। मैं उन लोग से 1 रुपया लेता हूँ जरूर हूँ, उन लोग क्योंकि कहते हैं कि गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ देनी चाहिए, तो 1 रुपया उनसे लेता हूँ, इसलिए हूँ कि मैंने सुना है कि उन लोग का 1 रुपया बहुत फलता है, इसलिए मैं लेता हूँ। तो वो पढ़ते हैं, किसी गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित का परिवार, जिसके पिता पति या भाई बॉर्डर पर है, उनसे मैं पैसा मैंने लिया है ना लूँगा, यह मैं जानता हूँ, और सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, पर्दे के पीछे वीडियो नहीं बन रहा है, ये पर्दा के सामने बन रहा है, आप किसी से पूछ सकती हैं, और उसी का परिणाम है कि टीचर बाउंसर लेके चलते हैं, और हमारे बाउंसर ऐसे हैं कि वो सबको बाउंसर को ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ टीचरों को देखती हूँ मैं कि बाउंसर लेके चलते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो फिल्म स्टार है या फिर एक शिक्षक है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाउंसर वही लेके चलता है, डरते हैं क्या? जिसको डरता, निश्चित। किस बात का डर? डर लगता है उनको, इसलिए कि क्या डर है, लेकिन बाउंसर लेके चलना दिखावा तो नहीं? नहीं, दिखावा अगर रहती तो जितना ज़्यादा बाउंसर मेरे पास है उतना किसी के पास नहीं है। मैं बच्चों को कहूँ कि चलो अभी गांधी मैदान तो नहीं बच्चे, और बच्चे पूछेंगे क्यों, लेकिन सब चलेंगे हमारे साथ गांधी मैदान। नहीं, कोई बाउंसर पैसे दे के जो बाउंसर रखते हैं उसको क्या कहेंगे?
उसको कायर कहेंगे, बुजदिल कहेंगे और क्या कहेंगे। गुरु को कायर और बुजदिल जो गुरु लोग जो आजकल बाउंसर लेके चलते हैं वो अपने आप को स्टेटस सिंबल मानते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बाउंसर लेके नहीं चलते थे, हमारे राधा कृष्ण बाउंसर लेके नहीं चलते थे, हमारे वशिष्ठ बाउंसर लेके नहीं चलते थे, हमारे चाणक्य बाउंसर लेके नहीं चलते थे। तो मैं एक अदना सा गुरु हूँ जिसे एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरु की उपाधि दी थी, मैं बाउंसर लेके क्यों चलूँ? जो चलते हैं वो अपना स्टेटस सिंबल समझें, लेकिन मेरी सादगी मेरी पहचान है और मेरे बच्चे मेरी जान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँ। जाते जाते एक बात मैं कहूँ, बच्चों के लिए एक गुरु मंत्र आप दीजिए, जो बच्चे शायद आपसे टच में नहीं है उन बच्चों को आप गुरु मंत्र कैसे देना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कि किसी भी चीज़ को अगर चाहने की जिजीविषा अगर अंदर से हो जाए कि मुझे पसंद है ये और मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो मैं एक शेर बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं गंदा है लेकिन शायद आपने भी सुना है कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति चाह जाए कि मुझे ये करना है, तो आज तक मैंने देखा है हॉपकिंस जैसे आदमी को जिसके पास कुछ भी नहीं था, पूरे शारीरिक रूप से बिल्कुल दिव्यांग थे वो, उन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया और इतना बड़ा काम किया, तो और बिना लकड़ी का पैर के सहारा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए मैंने देखा है। मैंने अपनी संतोष यादव मेरी बहन है, राखी बांधती हमको, मुंगेर उनका ससुराल है, ऐसे हैं हरियाणा की, वो जब उन दूसरी बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तो डिलीवरी के जस्ट 3 महीना बाद, बड़े ऑपरेशन के बाद, आप महिला हैं बच्चे भी हैं आपके, अगर बड़ा ऑपरेशन के बाद बच्चा होता है तो उस बच्चा होने के बाद भी वह निश्चित रूप से वह त्याग और जिजीविषा होगी कि हमारी बहन ने दूसरी बार में भी उसी तरफ तिरंगा झंडा में गाड़ दिया माउंट एवरेस्ट पर जिस तरफ पर पहली बार गाड़ा। यह थी ताकत अंदर की, ताकत शरीर की नहीं, ताकत मन की होनी चाहिए, ताकत जुनून की होनी चाहिए, ताकत जोश में होनी चाहिए और ताकत कुछ कर गुजरने की होनी चाहिए। मैंने प्यार किया, गोली चली, मैं भाग सकता था, मैंने प्यार किया, हर 14 दिन पर पिटा जाते थे, मैं भाग सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं भागा, क्योंकि मैं जानता था कि मार दिए जाएंगे तो भी मर जाएंगे और अगर छोड़ देंगे तो भी मर जाएंगे, तो मैंने कहा कि कोशिश करके देखने में क्या हर्जा है, और मैंने कोशिश किया और पा लिया, अभी जिंदा हूँ, इस बात का उदाहरण है।